बात उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरा से हुआ था और उसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में है और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर ये राम वाला नाम जो नारे का है इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या को? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।